How to fat loss? Very simple question. Everybody know. कैसे किया जाता है सबको पता है कि exercise, nutrition और goal setting. कहते हैं basically कि बहुत ईजी काम है fat loss. जो कर पाए उनके लिए, जो नहीं कर पाए, जिन्होंने कोशिश की असफल हुए उनके लिए थोड़ा सा tough काम है. तो initially बात करते हैं कि fat loss का जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है फैट लॉस करने के लिए. अगर आप 200 केजी के हो, 150 केजी के हो और आपको 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो वज़न कम करना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है विल पावर. विल पावर यानी इच्छा शक्ति. आप चाहते क्या हो? फैट लॉस करना इतना टफ काम नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी विल पावर. तो सबसे पहले आपको करना होगा गोल सेटिंग. गोल सेटिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है वो शुड बी स्मार्ट. आपका गोल शुड बी स्मार्ट से मतलब है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक. एस का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का गोल आपने ले रखा है. स्पेसिफिक का मतलब हो गया आपको पता होना चाहिए कि आप कितना फैट लॉस या कितना वेट लॉस आपको करना है. जैसे आपको 10 किलो वेट लॉस करना है तो ये आपका स्पेसिफिक गोल हो गया. ऐसा नहीं कि एक दिन में या दो दिन में 10 किलो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. दूसरा जो है एडजस्टेबल. आपका जो गोल है वो एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी उसमें आप कुछ एक करेक्शन भी वक्त के साथ थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि ड्रीम नहीं बदलना चाहिए, डेट बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. डेट 10-12 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ड्रीम जो सपना है वो नहीं बदलना चाहिए. तीसरा जो ड्रीम है या जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए. रियलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि आपके जो आपने गोल सेट किया है वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होना चाहिए. आप ये चाहते हो कि 3.5 घंटे में मैं 5 किलो वज़न कम कर लूँ, नॉट पॉसिबल. आपको जो टाइम लगना है, 1 महीना 1.5 महीना, एक पर्टिकुलर वे में चलोगे उसके हिसाब से आप एक ड्रीम को पूरा कर पाओगे. टाइम बेस्ड होना चाहिए. आपका जो गोल होना चाहिए वो टाइम बेस्ड होना चाहिए. आपको अपने आप को एक फिक्स टाइमिंग देनी है कि 3 महीने में मेरे को ये काम, मेरा 10 किलो वज़न कम करना है, या 4% मेरी बॉडी फैट को मेरे को कम करना है, या मेरी जो रिस्ट है या वेस्ट है उस पर काम करना है. स्पोर्ट रिडक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है. तो आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए. दूसरी चीज़ बात आती है न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन का मतलब आपके बॉडी के लिए क्या आवश्यक होगा. एक सिंपल सी बात है कि बॉडी फैट लॉस या वेट लॉस दोनों में आप कैलोरी डेफिशिट डाइट का यूज करना पड़ेगा आपको. यानी कैलोरी डेफिशिट डाइट क्या, कि जितनी आपकी बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे आपको कुछ या बहुत 500 से 700 कैलोरी डाइट कम करनी पड़ेगी. यानी जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2500 है, देन यू हैव टू टेक ओनली 2000. And after this, if you do exercises, then you will lose a lot of calorie, and this will work result in your fat loss. तो कैलोरी डेफिशिट डाइट पर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको एक डाइट चार्ट बनाना होगा कि जैसे आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है कैलोरी की उसके ऊपर. दूसरा चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको रोज़ाना हर दो से तीन घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है उसी कैलोरी में, मैक्रोज को ध्यान में रखते हुए. जैसे आपको 160 ग्राम प्रोटीन दिन में चाहिए तो वो 5 से 6 बार में लीजिए. एक साथ 160 ग्राम प्रोटीन अपन डाइजेस्ट नहीं कर पा सकते. जैसे आपको हर जैसे कैलोरी चाहिए तो 1900-2000 कैलोरी अगर आपकी डाइट चार्ट है तो उसको हर 300-300 के भाग में डिवाइड कर लीजिए. आप जो भी मील लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब आप कह सकते हो राइस होना चाहिए, ओट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए. जो भी डाइट ले रहे हो, जो मील ले रहे हो, जैसे दिन में 12 बजे खाना खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, तो उसमें चिकन, ब्रेस्ट, फिश, इस टाइप के प्रोटीन्स होने चाहिए. कार्ब्स होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं, यानी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि फैट लॉस करते समय फैट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. लेकिन गुड फैट्स जो होती है, जिसको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में कहते हैं, गुड फैट होती है वो आपको ज़रूरी होती है. 30 से 60 ग्राम पर डे आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट के अनुसार. कैलोरी डेफिसिट डाइट कैसे ले सकते हो, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपनी मेजरमेंट्स डालिए. मेजरमेंट्स का मतलब एज,
वगैरह, एज वगैरह, आपकी हाइट, आपका बॉडी वेट एंड ऑल दैट, देन यू विल फाइंड आउट योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, ड्रिंक 4 to 5 लीटर वाटर डेली, एटलीस्ट 4 to 5, टू मेंटेन योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। मिनिमाइज यूज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, शुगर और सॉल्ट का यूज एकदम कम कर दीजिए, फैट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है एक्सरसाइज। कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ अगर आप कैलोरी एक्सरसाइज भी अच्छे से करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इजीली लॉस कर पाओगे। अब इसमें आपको FITT फॉर्मूले का यूज करना है एक्सरसाइज के समय। FITT का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कितने दिन एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से करनी है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंटेंसिटी, FI का मतलब इंटेंसिटी, कितनी एक्सरसाइजेज एक दिन में करनी है, किस एक्सरसाइज से कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। टाइम, T4 टाइम, इसमें भी आपको ध्यान रखना, और टाइप और किस टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आपको अब 5 से 7 मिनट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज करनी है। जो उससे फ़ायदा यह होता है कि हार्ड इंटेंस वर्कआउट के बाद में जो बॉडी में एक तरीके से आपका ये कह सकते हो कि वो हो जाता है,